अमित शाह साहब को मालूम नहीं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को जाके पूछना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या किया, शरद पवार साहब ने पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए क्या किया, ये पूरी भारत की पूरी जनता जानती है और महाराष्ट्र की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो पवार साहब को किसानों का मसीहा कहा था एक इंटरव्यू में, शायद उसकी अमित शाह आपको जानकारी नहीं है, जानकारी की नहीं लेना चाहिए। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, हालांकि अमित शाह कह रहे कि 45 सीट ले जाएंगे, महाविकास आघाड़ी कितने सीट ले जाएंगे? महाविकास आघाड़ी की 40 के ऊपर सीट आएंगी। थैंक यू। अमित शाह साहब को मालूम नहीं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को जाके पूछना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या किया, शरद पवार साहब ने पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए क्या किया, ये पूरी भारत की पूरी जनता जानती है और महाराष्ट्र की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो पवार साहब को किसानों का मसीहा कहा था एक इंटरव्यू में, शायद उसकी अमित शाह आपको जानकारी नहीं है, जानकारी की नहीं लेना चाहिए। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, हालांकि अमित शाह कह रहे कि 45 सीट ले जाएंगे, महाविकास आघाड़ी कितने सीट ले जाएंगे? महाविकास आघाड़ी की 40 के ऊपर सीट आएंगी। थैंक यू।